All right, a very good morning all of you, and now we are here to see once again the next part of basic structure doctrine. And in this video we are going to conclude the basic structure doctrine. Each and everything of basic structure doctrine will be cleared by the end of this video. Look, yesterday we had in the last video we had seen what basic structure doctrine is, right? Like कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमें अमेंडमेंट का एक प्रावधान दिया गया है, अमेंड करने के लिए एक प्रोविजन दिया गया है, वो है आर्टिकल 368 में. बट क्या अमेंडमेंट का पावर के तहत हम लोग कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी अमेंड कर सकते हैं? क्या इंडिया को हम लोग सेक्युलर से हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? क्या इंडिया को हम लोग डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी में तब्दील कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देता है. ये कहता है कि आप अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन का, वी डोंट हैव एन इश्यू, द जुडिशियरी हैज सेड सो, बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज that core values of the constitution which cannot be amended by the parliament even under article 368. This is what we had seen in the last video, and now we are here to see the cases, the evolution of the basic structure doctrine, how the basic structure doctrine have arrived, right? तो हम लोग मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कॉपी लेकर के बैठें और पांच कॉलम बना लें, एक केस नेम का, दूसरा रीजंस फॉर द लॉ या रीजंस फॉर द केस का, है ना, और उसके बाद क्वेश्चंस वेरीफाइड इन दैट केस, फिर उस केस में जजमेंट क्या आया और उस केस में उस जजमेंट का जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, हम लोग इन पांच कॉलम के तहत पढ़ेंगे. पहला केस नेम के अंदर आप लोग लिखेंगे शंकरी प्रसाद केस. लुक, शंकरी प्रसाद केस 1951 में ही आ गया था. और क्यों आया था ये केस? बिकॉज इसमें हमने देखा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके पहले. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू के टाइम पे ही आ गया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया था. राइट टू प्रॉपर्टी, रिमाइंड यू दैट इट वॉज बेसिकली फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी. और उसी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उन्होंने कर्टेल किया था. कैसे कर्टेल किया था? उन्होंने क्या किया था, एक नाइन्थ शेड्यूल लेकर के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड वो शेड्यूल है. उसमें क्या था प्रावधान कि अगर कोई भी लॉ आप डाल देते हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, चाहे उस लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो. नाइन्थ शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड लॉ अगर डाल देते हो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है. तो ये एक कटेल करने का तरीका था. और दो नए आर्टिकल्स भी इंसर्ट किए गए थे, आर्टिकल 31A और 31B. ये भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. जब मैं फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इन आर्टिकल्स को मैं डिटेल में आपको कराऊंगा. दैट इज द रीजन फॉर द केस. इसी रीजन की वजह से ये केस आया था. कौन सा? शंकरी प्रसाद केस. क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था. कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी को. कल मैंने आपको आर्टिकल 13 समझाया था. आर्टिकल 13 में मैंने क्या कहा था कि कोई भी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, दैट मींस दैट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट्स, शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उस लॉ को रिजेक्ट करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा. तो ये नल एंड वॉइड वाली बात हमने देखी थी कि आर्टिकल 13 कहता है. Now, ये फर्स्ट CAA आया है और फर्स्ट CAA में बोला गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट है तो उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते. अगर कर्टेल कर रहे हैं तो जुडिशियरी इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड. तो वही क्वेश्चन इस केस में वेरीफाई किया गया था कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है. एंड द जजमेंट दैट केम वॉज एक्स्ट्रा
ordinary, and the judges in that case, that Shankari Prasad case, said that yes, fundamental rights can be amended. And once again, what is the rationale that they give, that the judges gave, was that CAA is not a law. CAA is not a law. कल का आर्टिकल 13 आप लोग को याद है, लास्ट वीडियो में जाकर के देख लो एक बार ही, कि CAA पांचवें प्रोविजन में लॉ के डेफिनेशन में CAA was not a law. तो जुडिशियरी ने सिंपल कहा कि CAA is not a law and therefore CAA के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है, राइट? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. लॉ को, लॉ अगर वायलेट करेगा तब उसको चैलेंज करोगे ना. CAA तो लॉ है ही नहीं, फिर आप चैलेंज कैसे कर सकते हो? You cannot challenge this act, therefore they give that the judgment that yes, fundamental rights can be amended, right? So I hope this Shankari Prasad case is clear. Now the next case came into the picture, and that was Golaknath case in 1961. What was the reason for that case? उस केस का रीजन क्या रहा है? उस केस में 17th constitutional amendment आया था, और उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था कि ये जो 9th शेड्यूल आया था, उस 9th शेड्यूल में कुछ लॉज डाले गए थे, और वो लॉज क्या कर रहे थे? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे. क्या कर रहे थे? फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे. तो वंस अगेन फंडामेंटल राइट को वायलेट करोगे, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एंटाइटल्ड है, एम्पावर्ड है. तो उस केस में भी क्वेश्चन क्या वेरीफाई किया गया, सेम क्वेश्चन, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड और नॉट. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियरी ने अपने जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, चेंज कर दिया, और उन्होंने बोला नो, द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड. एंड व्हाट इज द रैशनल दैट दे गिव वाज, द रैशनल दैट दे गिव वाज कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, राइट? ट्रांसेंडेंटल मतलब इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, इसको टच ही नहीं कर सकते हो, ये ट्रांसेंडेंटल है एंड इम्यूटेबल है. प्लस उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल है, प्लस में उन्होंने ये भी बोला कि CAA इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13. इसको उन्होंने बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये फंडामेंटल CAA जो लॉ है, तो अगर लॉ है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो चैलेंज किया जा सकता है, और उसको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. तो जुडिशियरी ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, बोला कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, since that is transcendental and immutable, plus CAA is law. तो अब आपको याद रखना कि CAA is a law under Article 13, even if in Article 13 it is mentioned that CAA is not a law. हम लोग यही consider करते हैं जो बिशरी के हिसाब से कि CAA is a law. तो having seen Shankari Prasad case and Golaknath case, we are now moving on to the next case, and that is Kesavanand Bharati case. And this case is a benchmark, right, in the history of judicial system of the country, because isme bahut hi extraordinary judgment aaya tha. Ye case pehle to aaya hi kyun tha? What was the reason for the case? Because 24th CAA mein, yaad rakho, dhyan se sunna, 24th CAA mein, यहां पे याद रखना, ये 1973 का केस है. Who was at the helm? At the helm was Mrs. इंदिरा गांधी, और वो बहुत ही बोल्ड एक्शन लिया था उन्होंने, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया. और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 368 के तहत हम किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं. आर्टिकल 368 के तहत हम किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, और ये जो लॉ आएगा, ये जो CAA आएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, ये आर्टिकल 13 के तहत लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा. बात समझ में आई? 24th CAA में मिसेस गांधी ने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 368 के तहत कहा कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती हैं, और वो अमेंडमेंट जो लेकर के आएंगी वो आर्टिकल 13 के लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा. नाउ द जजमेंट वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग.
इंटरेस्टिंग इसलिए था कि यहां पे पहले तो क्वेश्चन क्या वेरीफाई किया गया, सेम क्वेश्चन वेरीफाई किया गया, द क्वेश्चन वाज कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, तो यहां पे जजमेंट आया यस द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, एंड फॉर दैट मैटर जुडिशियरी सेड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड The basic structure doctrine should not be violated. The basic. यहाँ पे ना students को लगता है कि judiciary ने इतना interesting judgment कैसे दे दिया? How the concept of basic structure doctrine came into the question? तो यहाँ पे बस एक fun fact है कि जो appellant थे, जिन्होंने case किया था, जो केशवानंद भारती case हुआ था, उन्होंने बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वायलेशन है, तो इसी पे जुडिशियरी ने जजमेंट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप वायलेट नहीं कर सकते, और यहीं पे अराइवल होता है, ओरिजिनेट होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द हिस्ट्री ऑफ यू नो जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, और इसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रिटी को बरकरार रखा है, मेंटेन रखा है, कोई उसके कोर वैल्यूज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है. This is what has been given over here. और उसके बाद इसके आगे जो केसेस आएंगे वो क्या होंगे, और भी इसमें केसेस हैं, इसके आगे जो केसेस आएंगे उन केसेस में हम लोग क्या देखेंगे, उन केसेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीइंफोर्स करती है, उसी को एकदम बार बार रीस्टेट करेंगे कि नहीं नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है. और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं पे डिफाइन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही बाय द जुडिशियरी, तो कहीं डेफिनेशन नहीं है, तो कैसे होता है फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का डिसीजन? ये होता है ऑन द case to case basis. So we shall see few more cases which is very much interesting to watch how the basic structure doctrine was reinforced into the judicial system of the country. One. All right. So we are back with a few more cases, and those in the lines are Indira Nehru Gandhi case. The fourth case that came into the picture in the emergence of basic structure doctrine is Indira Nehru Gandhi case. और Indira Nehru Gandhi case का reason क्या हुआ? The reason was 39th Constitutional Amendment Act, और 39th Constitutional Amendment Act में Mrs. Gandhi ने क्या किया था? Election dispute of PM और Speaker, इन दोनों को out of the jurisdiction of the Supreme Court कर दिया था, जिसकी वजह से ये केस हुआ था इंदिरा नेहरू गांधी केस, और उसमें क्वेश्चन जो वेरीफाई किया गया था वो इलेक्शन डिस्प्यूट के रिलेटेड डिसाइड किया गया था, वो वेरीफाई किया गया था. इसमें जुडिशियरी ने क्या किया था, इस अमेंडमेंट को, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट कर दिया था. उन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन which was promulgated in Keshavanand Bharti case. इन्होंने कहा कि वो basic structure doctrine है, please don't take that away, or you cannot take that away. And then we are coming to Minerva Mills case in 1980, और Minerva Mills case में हम लोग देखते हैं 42nd Constitutional Amendment Act. उसका reason क्या हुआ? 42nd Constitutional Amendment Act. Mrs. Gandhi was in no mood to give away the power, और उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 368 के तहत उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर, एंड देयरफॉर एंड व्हाटएवर अमेंडमेंट दैट वी विल डू अंडर आर्टिकल 368, that amendment act will not be considered as law under article 13 of the constitution. उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या वेरीफाई किया गया है, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. द क्वेश्चन दैट वाज वेरीफाइड वाज अमेंडिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, और इसमें वंस अगेन जुडिशियरी एक्चुअली इनवैलिडेटेड द 42nd CAA का ये वाला सिर्फ अमेंडमेंट, ये वाला अमेंडमेंट, और बाकी सारे रहने दिए थे, इस वाले प्रोविजन को उन्होंने रिमूव कर दिया था, इनवैलिडेट कर दिया था, और जस्टिफिकेशन दिया गया था कि लुक
आर्टिकल 368 के अंडर जो आपको पावर ऑफ अमेंडमेंट दिया गया है वो पार एक्चुअली क्या है, वो लिमिटेड पार है एंड लिमिटेड पार कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू और चेंज्ड इनटू अनलिमिटेड पार। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये मिनर्वा मिल्स केस में उनका जजमेंट था कि लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनलिमिटेड पावर ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट, राइट। और उसके बाद दो छोटे छोटे केसेस हैं, इन केसेस में कुछ ऐसा वो नहीं था बस, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है एंड देयरफॉर वी सी दैट लॉ दैट दोस केसेस। वामन राव केस, एक केस आया था वामन राव केस, उसमें जुडिशियरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीइंफोर्स करते हुए उन्होंने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन शैल अप्लाई टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स दैट वर इनएक्टेड आफ्टर 24th of April 1973। ये डेट क्यों है, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, 24th of April 1973 को केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। तो उस दिन पे इनका कहना था कि उस दिन के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनएक्ट हुए हैं वो सारे हम लोग क्या करेंगे, सारे का जुडिशियल अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू करने के लिए एम्पावर्ड है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो क्या कर सकती है जुडिशियरी, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, रद्द कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट केस दैट केम वाज आईआर कोयलो केस, एंड लुक इन 2016 दिस वेरी केस वाज देयर इन अ क्वेश्चन इन मेंस, और आईआर कोयलो केस हम लोगों को किसी को आई वाज इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन एट दैट टाइम, और जैसे ही हम लोग का पेपर सबमिट हुआ the only thing that we heard you know in the room was everyone was murmuring to each other ayar koi lo case kya hai and we didn't know at that point of time, but when we came back we saw that it was mentioned in the Lakshmikant only, aur hum log us case ko avoid kar dete the, ignore kar dete the, right। तो आयर कोयलो केस ये 2007 का केस है बेसिकली, और इसमें क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन शैल अप्लाई टू ऑल द लॉज दैट वाज इंसर्टेड इनटू द 9th शेड्यूल पोस्ट 24th of April 1973। डू यू रिमेंबर 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, और उस वाले में 9th शेड्यूल में बेसिकली हम लोग लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट डालने के लिए लाए थे, लेकिन अब तो उसमें बहुत सारे एक्ट इनफैक्ट रिजर्वेशन से भी रिलेटेड उसमें एक्ट हम लोगों ने डाल रखा है। तो इन्होंने बोला है कि जो भी पोस्ट 24th अप्रैल 1973 हम लोग अगर आपने उसमें लॉ इंसर्ट किया है तो उन लॉज का भी हम लोग वेरिफिकेशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर वो वायलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको null and void declare कर देंगे। तो ये रहा पूरा आपका judgment, पूरा आपका basic structure doctrine। Now इतने सारे cases मैंने बता दिए, तो इतने सारे cases मैंने बताए तो आपको याद भी तो रहना चाहिए, आपको याद भी तो रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने students को, अपने बच्चों को मैं एक trick देता हूं, और वो trick है SG। आप सौरभ गांगुली कर सकते हैं। लुक, अ मदर इज ऑलवेज अ वुमन, राइट, अ मदर इज ऑलवेज अ वुमन, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, SGKIK मां है ना, वुमन है ना। ये अगर ट्रिक आपने याद रख लिया तो ये सारे केसेस आपको याद रह जाएंगे। S फॉर शंकरी प्रसाद, G फॉर गोलकनाथ, K फॉर केशवानंद भारती केस, I फॉर इंदिरा नेहरू गांधी केस, मा फॉर मिनर्वा मिल्स, वुमेन फॉर वामन राव, है ना। ये सारे केसेस आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये एक एडिशनल फैक्ट है, एडिशनल एक ट्रिक है जिससे आप ये सारे, और केसेस अगर याद है तो यस नो यस, और उसके बाद रीइंफोर्समेंट,
तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसके थ्रू पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिटी पे, दैट वी ऑल इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सपोर्टिंग अस सो नाइसली एंड एनॉर्मसली। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन।